जिस व्यक्ति को अपना काम प्राणों से भी ज्यादा प्यारा हो जाता है ना, उसकी मदद तो स्वयं ईश्वर करता है। और जो व्यक्ति हमेशा अपने काम से जी चुराता है, जो हमेशा उसमें खामियां निकालता है, वो जीवन भर रोता ही रहता है। जिसे अपने लक्ष्य से प्यार हो जाए, वो रात के 2 बजे भी उठकर पढ़ाई करता है, अपना काम करता है। परंतु जिसे पढ़ाई से लगाव ही ना हो, जिसे अपने काम से अपने लक्ष्य से प्यार ही ना हो, वो 10 घंटे सोकर भी उठेगा और जब किताब को देखेगा तो उसे नींद आने लगेगी। जब मैं 9th और 10th क्लास में था तो एक दोस्त था, एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन हमारा सेक्शन अलग अलग होने से क्लासरूम अलग था। वो लड़का पढ़ने में इतनी दिलचस्पी रखता था कि रात को 2 बजे भी उसकी नींद खुल जाए तो वो उठकर पढ़ने बैठ जाता था। लड़का जब लाइट बंद हो जाती थी तो चिमनी दिया जलाकर पढ़ता था। मैं तो उस लड़के से बहुत कुछ सीखा यार। इसे कहते हैं अपने काम से प्यार, अपने लक्ष्य से प्यार। इसलिए तो कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं हैं जो सोते हुए देखे, सपने तो वो हैं जो सोने ही नहीं देते। अपने किताबों से दिल लगा लो दोस्तों, किसी और से दिल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी ने क्या खूब कहा है कि ना इश्क है ना कोई यार है, ना इश्क है और ना ही कोई यार है, अब तो हमें सिर्फ कामयाब होने का भूत सवार है। किताबों से प्यार कर लो मेरे दोस्तों, बेवफा भी निकलेगी तो कामयाब बनाकर ही छोड़ेगी। इतिहास उठा कर देख लो, हर किसी के कामयाबी का एक ही रहस्य है, ये ब्लैक एंड व्हाइट दिखने वाली किताबें। मैं आपको एक मजेदार कहानी बताता हूँ दोस्तों, शायद आपने सुनी भी होगी, पर मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार और सुन लेना, क्योंकि इससे सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा और आपको अपने काम, अपने लक्ष्य से, अपनी पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। एक डॉक्टर था, वो अपने काम से इतना ज्यादा प्यार करता था कि पूरे प्राण लगाकर काम करता था। एक बार वह मरीजों का इलाज करके थक कर रात को 12 बजे लौटा और रात के 2 बजे एक मरीज का कॉल आया। वह उठा, बैग उठाया और चल पड़ा। रास्ते पर एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, भाई आपके पास माचिस है क्या? उसने उस व्यक्ति की सिगरेट जलाई और निकल पड़ा इलाज करने। अगले दिन एक और मरीज का इलाज करने गया, वहां पता चला कि एक लुटेरे ने उन्हें लूटा भी और बहुत मारा, बहुत कूटा भी। इलाज करते ही वह जिज्ञासा के साथ उस लुटेरे से मिलने जेल चला गया। उसने देखा कि ये तो वही व्यक्ति है जिसकी मैंने रात में सिगरेट जलाई थी। डॉक्टर ने उस लुटेरे से सिर्फ एक ही सवाल किया कि तुमने मुझे क्यों नहीं लूटा? उस लुटेरे ने जवाब दिया, मैं तुझे लूटता भी और बहुत कूटता भी, लेकिन मैं जब भी तुझे देखता था तू अकेला कभी नहीं था, तुम हमेशा दो थे। उस दिन उस डॉक्टर को पता चला कि जब वह अपने काम में पूरे प्राण लगा देता है तो वह कभी भी अकेला नहीं होता, उसके साथ हमेशा एक दैवी शक्ति होती है। वो शक्ति स्वयं ईश्वर होता है जो हमेशा उसकी मदद करता है। इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि जब आप अपनी पढ़ाई को दिल से, जान से करोगे तो ईश्वर स्वयं तुम्हारी मदद करेगा। आज या तो अपने लक्ष्य के लिए पूरे प्राण लगा दो या फिर किसी और को पाने दो, क्योंकि ये तुम्हारे बस की बात तो नहीं है। वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, वो भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो कमेंट जरूर छोड़ना कि जान लगा देंगे या फिर जाने देंगे।